गाइस, दिस इज मी प्रियांशी कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम जा रहे हैं कॉलेज। आज मेरी सिर्फ एक ही क्लास है। एक्चुअली होता क्या है कि मेरी ना ट्यूसडे और वेडनेसडे को क्लासेस थोड़ी ज्यादा फ्री रहती है, हार्डली चार क्लासेस होती है, वैसे मेरे पास 7 सब्जेक्ट है। सो आई डिसाइडेड टू गो समवेयर, बट मैं नहीं जा पाती क्योंकि कल मेरा मिड सेम है, तो मुझे आज पढ़ना बहुत जरूरी है। तो अगर आज मैं थोड़ी सी खाली हूँ तो मैं पढ़ूंगी। तो हम चलते हैं कॉलेज। हेलो। सो अभी मुझे मेरी फ्रेंड मिली है, ये मेरे चॉकलेट लेके आई है। एक्चुअली इसकी और मेरी हो गई थी लड़ाई, तो इसने सोचा कि चॉकलेट से मुझे मना लेगी। क्यों कनिका, है ना, ऐसे ही है ना, नहीं ये सब डलेगा। ये देखो, ये मेरे चॉकलेट आई। थैंक यू कनिका। अच्छी सी मिली थी, वो बहुत प्यारी थी और मैंने उसे चॉकलेट खिलाई। यार उसकी मम्मा इतनी क्यूट थी ना। ये मेरी दोस्त है जो मुझे मेट्रो पे मिली थी, नहीं मेट्रो पे नहीं, बाहर ही मिल गई थी। आज ये मुझे सरप्राइजिंगली मिली है तो और ये जा रही है अब, इसको मेट्रो यहाँ से चेंज करनी है। बाय कनिका। क्लास लेने के बाद मेरे दोस्तों ने बोला कि आज वो घूमने जाएंगे। वैसे तो मेरे मिड सेम है कल, बट स्टिल हमारे पास थोड़ा सा टाइम है तो आज हम घूमने जाएंगे। बहुत खुश हूँ मैं यार, कॉलेज से आज हम घूमने जाएंगे अपने दोस्तों के साथ पहली बार। सो अभी चलता है क्लास में, क्लास के बाद घूमने जाएंगे। अभी मैं कॉलेज से निकल गई हूँ और अभी हम जा रहे हैं, हमने डिसाइड करा है कि अब हम कुतुब मीनार जाएंगे। यार बहुत मजा आएगा। सो फाइनली आई एम हियर। मैं अभी कुतुब मीनार आई हूँ कॉलेज से बंक करके। एक बंक तो नहीं करा, हाँ मैं दो क्लासेस छोड़ दी और मैं आप सबको यहाँ घुमाना चाहती थी, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ अपनी क्लासेस छोड़ के। सो प्लीज गाइज, लाइक माई व्लॉग, कमेंट हियर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक इट। ये पीछे है कुतुब मीनार, आई थिंक इट्स विजिबल, हाँ विजिबल है थोड़ा थोड़ा। तो मैं आ गई हूँ, मेरा बैग सबमिट नहीं हुआ था, बट मेरे फ्रेंड्स को क्या दिक्कत आई थी कि उनका बैग सबमिट हो गया था तो उनको लंबी लाइन में लगना पड़ा। तो मैं आपको एक ट्रिक बता सकती हूँ कि अगर वो तो आपसे पूछेंगे कि आपके बैग में कुछ ऐसा सामान है लैपटॉप, तो आप हाँ बोल सकते हैं, बिकॉज फिर आपको बैग सबमिट नहीं करना पड़ेगा, आप ऐसे ही अंदर आ सकते हैं। यूज माई ट्रिक। अराउंड 4 to 5 times और अब मैं फिर से आई हूँ अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। मेरे से जब भी कोई पूछता है ना कि कहाँ चले घूमने, तो मैं सजेस्ट करती हूँ कुतुब मीनार चलो, बिकॉज आई लव इट। हेलो गाइस, कुतुब मीनार मेरे सामने छोटा पड़ गया है, बट मैं अपने लेवल में देखो अब मेरे से छोटा हो गया ना कुतुब मीनार। बहुत ही क्रिंजी जोक था। खैर मैं बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे मेरे को, बट या यहाँ पे ना चेकिंग में उन्होंने मेरा ट्राईपॉड ले लिया, तो अब मेरे से ना शॉर्ट्स अच्छे आ नहीं रहे हैं,
यार ये दिक्कत हो जाती है बस यहाँ कहीं आओ तो, ऐसी कोई दिक्कत और कहीं तो नहीं आई थी। जैसे इनके पापा जी बना के गए थे यहाँ पे। सो मैं अभी यहाँ पे हूँ। ये पीछे वाला जो है ये इन्होंने कुछ बना रखा था, यहाँ पे अंदर बैठने का भी एरिया था। और ये पीछे है कुतुब मीनार। एक चीज जो बहुत कॉमन देखी मैंने यहाँ पे एयरप्लेन बहुत ज़्यादा आ रहे थे बार बार, लाइक ये चीज़ तो मुझे पता है, मैं आप लोगों को बता रही थी। और यहाँ पीछे जो है यहाँ पे वो कब्र वाला ही है, कब्रिस्तान जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पे ना अलाउद्दीन खिलजी की भी कब्र है, ऐसा मैंने न्यूज़पेपर आर्टिकल में देखा था और मैं उसको बहुत बार देख चुकी हूँ। वैसे मुझे पता नहीं था कि वो अलाउद्दीन खिलजी की कब्र है, बट जब मैंने उसे आर्टिकल में पढ़ा तब मुझे पता चला था। बहुत सनी डे है यार आज, बहुत गर्मी भी लग रही है। ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे एक और कुतुब मीनार बनना था जिसका काम कंप्लीट हुआ ही नहीं कभी, और वो इतने में ही रह गया। ये है अलाउद्दीन खिलजी की कब्र जो कि मैंने आर्टिकल में पढ़ा था और मुझे कभी पता था ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। जब मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा ना तब मुझे पता चला कि अलाउद्दीन खिलजी की कब्र है। आधे से ज़्यादा लोगों को ये बात पता ही नहीं होती जो यहाँ पे विजिट करते हैं। अभी पीछे इल्तुतमिश की कब्र है जिन्होंने कुतुब मीनार का सारा काम पूरा करवाया था। सो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। सो आई एम लीविंग राइट नाउ और मैंने पूरा कुतुब मीनार घूम लिया है। मुझे ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा बट इट्स टेक अराउंड 3 आवर्स। हाँ अगर आपके पास 3 घंटे हैं तो आप बहुत अच्छे से घूम लोगे, एक एक चीज़ देख लोगे अगर आपको हिस्टोरिकल जगहें पसंद है तो। So that's it for today guys. If you like my video, please share and subscribe my channel.